देखो आज ऑफिशियली टोयोटा ने इनोवा हाइक्रॉस इस कार को ग्लोबली लॉन्च कर दिया है और 25 तारीख को इस कार को इंडियन मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। तो ये टोयोटा की अपकमिंग कार होने वाली है जिसके एक्सटीरियर में और इंटीरियर में आपको इनोवा क्रिस्टा के मुकाबले बहुत ही ज्यादा फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और ये कार इनोवा क्रिस्टा के मुकाबले थोड़ी सी बड़ी रहने वाली है। इस कार के डायमेंशन बढ़ाए गए हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज इसको इंडोनेशियन मार्केट में रिवील किया गया है और वहां पर इस कार को जेनिक्स नाम से बेचा जाएगा लेकिन इंडिया में इस कार का नाम रहेगा हाईक्रॉस, यानी इंडिया में इस कार को हाईक्रॉस नाम से बेचा जाएगा और ग्लोबली इस कार को नाम दिया है जेनिक्स। तो यहाँ पर अलग अलग नामों से ये कार टोयोटा कंपनी अलग अलग देशों में बेचने वाली है और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये कार स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम के साथ लगभग 20 किलोमीटर पर लीटर से लेकर 23 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देने वाली है और ये 7 सीटर और 8 सीटर कार इतना माइलेज देगी तो ये काफी बढ़िया बात है। टोयोटा कंपनी ने इस कार को 6 सीटर 7 सीटर और 8 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ उतारा है ग्लोबल मार्केट में और इंडिया में भी आपको ये सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर अलग अलग सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये कार इंडियन मार्केट में आने वाली है और डेफिनेटली ये कार इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के बाद तबाही सी मचा देगी। अब यहाँ पर सबसे पहले इस कार के डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। टोयोटा के इस कार की लेंथ है 4755 मिलीमीटर की जो कि इनोवा क्रिस्टा के मुकाबले 20 mm ज्यादा है, यानी इनोवा क्रिस्टा की लेंथ आपको 20 mm कम देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस कार की विड्थ है 1850 मिलीमीटर की जो कि इनोवा क्रिस्टा के मुकाबले 20 mm ज्यादा है, तो यहाँ पर वेट भी आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी हाईक्रॉस की और यहाँ पर दोनों ही कारों की हाइट लगभग सेम रखी गई है। दोनों ही कारों की हाइट है 1795 मिलीमीटर की लेकिन हाईक्रॉस की लेंथ और विड्थ आपको 20 mm ज्यादा मिलने वाली है एज कम्पेयर टू इनोवा क्रिस्टा। इनोवा हाईक्रॉस के अंदर सबसे बड़ा व्हील बेस ऑफर किया है टोयोटा ने, आपको 2850 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलेगा जो कि इनोवा क्रिस्टा के मुकाबले लगभग 100 mm ज्यादा है और इतने बड़े व्हील बेस की मदद से आपको कैबिन के अंदर अच्छा खासा स्पेस मिलेगा, यानी फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो के ऊपर आपको स्पेसिंग की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली और यहाँ पर टोयोटा ने काफी बड़ा व्हील बेस ऑफर किया है इनोवा हाईक्रॉस के अंदर, तो ये भी काफी बढ़िया बात है। लेकिन अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो इस कार के अंदर आपको 185 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा और इनोवा क्रिस्टा के अंदर 178 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस दिया जाता है। तो यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में भी ये थोड़ी सी आगे निकल जाती है और ये कार आपको थोड़ी सी बड़ी देखने को मिलने वाली है एज कम्पेयर टू इनोवा क्रिस्टा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर लेते हैं, वो है इसका इंजन स्पेसिफिकेशन। टोयोटा ने इस कार के अंदर 2 इंजन का इस्तेमाल किया हुआ है, आपको मिलेगा माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम के साथ भी इस कार को इंडियन मार्केट में उतारा जाएगा और ग्लोबली भी इस कार के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम का यूज किया जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज इस कार के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल के साथ आपको 20 से लेकर 23 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलने वाला है और इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल लगभग 175 bhp की पावर आउटपुट और 206 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा कंबाइन में और इसका माइल्ड हाइब्रिड इंजन लगभग 172 bhp की पावर आउटपुट और 187 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेगा और दोनों ही इंजन के साथ आपको 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलने वाला है। तो इनोवा हाईक्रॉस इंडिया की पहली ऐसी कार बनने वाली है जो की 6 सीटर 7 सीटर और 8 सीटर सेगमेंट के अंदर सबसे ज्यादा माइलेज दे देगी। तो ये चीजें थी इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के रिलेटेड और इसके माइलेज के बारे में। लेकिन अगर मैं इस कार के एक्सटीरियर लुक की बात करूं तो भाई इस कार का लुक आपको कंप्लीटली नया देखने को मिल जाएगा। काफी ज्यादा चेंजेस करे गए हैं इस कार के एक्सटीरियर में। ये कार दिखने में काफी ज्यादा एसयूवी कार की तरह ही लगती है। इस कार का फ्रंट का फीशा काफी ज्यादा एसयूवी कार की तरह डिजाइन किया गया है और रियर से ये कार दिखने में काफी ज्यादा कमाल की लग रही है। हालांकि इनोवा क्रिस्टा का रियर का फीशा थोड़ा सा बॉक्सी टाइप है लेकिन यहाँ पर हाईक्रॉस के अंदर वो चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये कार परफेक्ट एसयूवी कार की तरह ही दिख रही है। तो यहाँ पर ये चीजें आपके सामने है लेकिन इस कार के फ्रंट फीशा में आपको न्यू डिजाइन ग्रिल का सेटअप मिलेगा और ग्रिल के सराउंडिंग में क्रोम की फिनिशिंग भी दी गई है जो कि दिखने में थोड़ी सी कूल लग रही है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको कंप्लीटली नया लाइटिंग सेटअप का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके एलईडी डीआरएल दिखने में काफी बढ़िया लग रहे हैं। ट्रायंगुलर शेप में आपको एलईडी डीआरएल का सेटअप मिल जाएगा और इसके एलईडी हेडलाइट का डिजाइन भी कंप्लीटली नया रखा गया है। इसके फ्रंट के बंपर्स थोड़े से स्पोर्टियर रखे गए हैं तो इस कार का रोड प्रेजेंस काफी खतरनाक होने वाला है। लेकिन टोयोटा ने इस कार के अंदर 18 इंचेस के ड्यूल टोन अलॉय व्हील का यूज किया हुआ है, आपको न्यू डिजाइन मिलेगा अलॉय व्हील का। उस
इसी के साथ इसके बी पिलर और सी पिलर के ऊपर ब्लैक डॉट फिनिशिंग का यूज किया हुआ है और इसके रियर का फिनिश आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। स्लीक एलईडी टेललाइट का यूज किया हुआ है, यानी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट के अंदर आपको एलईडी टेललाइट का डिजाइन मिलेगा। और इसके रियर के फीचर के बारे में और इसके फ्रंट लुक के बारे में आपके क्या विचार है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगर मैं इस कार के इंटीरियर की बात करूँ तो इस कार के इंटीरियर में इनोवा क्रिस्टा और फॉर्चुनर के मुकाबले आपको बहुत सारे नए फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको सबसे बड़ा पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन मिलेगा जो कि आज के डेट में इनोवा क्रिस्टा के अंदर नहीं आता। इसके अलावा 60 लाख की फॉर्चुनर के अंदर भी आपको पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन नहीं मिलेगा जो कि इनोवा हाईक्रॉस के अंदर ऑफर किया जाएगा। इस कार के इंटीरियर में आपको न्यू डिजाइन ड्यूल टोन कलर का थीम देखने को मिल जाएगा। ब्राउन कलर के लेदर का यूज किया हुआ है। डैशबोर्ड के ऊपर आप लेदर की फिनिशिंग देख सकते हैं। इसके सीट के ऊपर भी लेदर का इस्तेमाल किया गया है और डोर के ऊपर भी आपको ब्राउन लेदर का यूज देखने को मिल जाएगा। तो इस कार का इंटीरियर टोयोटा ने कम्प्लीटली नया रखा है और आपको बहुत सारे नए फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इस कार के अंदर 10 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया है जिसके तहत आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट मिलेगा। उसी के साथ इस कार का सेंट्रल कंसोल आप देख सकते हैं, कम्प्लीटली न्यू डिजाइन किया है सेंट्रल कंसोल को और गियर नॉब की जो पोजीशन है वो आपको थोड़ी सी ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो ये चीजें काफी बढ़िया तरीके से मेंटेन करी है टोयोटा ने। उसी के साथ इस कार के इंटीरियर में काफी जगह पर आपको सिल्वर कलर के पैटर्न्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा न्यू डिजाइन मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील का यूज भी किया हुआ है। पैडल शिफ्टर्स आपको मिल जाएंगे। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन आपको मिलेगा। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिक्लाइनर सीट्स आपको मिलेंगे सेकंड रो के, विद फुटरेस्ट का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। यानी जो कैप्टन सीट्स रहेंगे वो रिक्लाइन हो जाएंगे इलेक्ट्रिकली और वहां पर आपको फुटरेस्ट का ऑप्शन मिलने वाला है। तो आपको काफी प्रीमियम चीजें मिलने वाली है हाईक्रॉस के इंटीरियर में और ये कार आ जाएगी 6 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ। इसके अलावा 7 सीटर और 8 सीटर का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा आराम से। शायद इसके इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के बाद फॉर्च्यूनर और इनोवा क्रिस्टा का सेल थोड़ा सा नीचे जा सकता है, लेकिन ये चीजें डिपेंड करती है इस कार के प्राइसिंग के ऊपर। और इस कार की प्राइसिंग 25 नवंबर को रिवील होने वाली है, यानी इस कार को 25 नवंबर को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। जैसे ही ये कार इंडियन मार्केट में लॉन्च होती है मैं इसका डिटेल रिव्यू वीडियो जरूर लाऊंगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है।